व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर। आपको पता ही है, वर्ल्ड कप में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे वो पाकिस्तान से, जिनको वीज़ा मिला वो गए, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार वीडियोज़ हमें जो है ना हमारे साथ शेयर की, जिनमें वीलॉग्स भी थे, जिनमें उनकी उन्होंने डेली लाइफ भी दिखाई और एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। तो काफ़ी लोगों को उनका पसंद आया अंदाज़ के उन्होंने जो है ना सच आपको दिखाया। तो अब एक जर्नलिस्ट हैं, वो गए हैं मेरे ख्याल में डॉलर एक्सचेंज करवाने, पैसे वैसे लेने। तो वो ये कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट शॉक टू सी डॉलर रेट इन इंडिया। तो गालबन 84 रुपये का है, जितनी मुझे अभी तक इन्फो है, शायद 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो, लेकिन 84 रुपये का ही है। तो लेट्स सी इन जर्नलिस्ट भाई साहब को कैसा फील हुआ। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में कुछ नया नया कंटेंट है तो हमारे साथ शेयर कर देना। तो देखते हैं 3, 2, 1 हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, वर्ल्ड कप कवर करने आए पाकिस्तानी पत्रकार भारत में डॉलर का रेट देख कितने हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई ने पाकिस्तानी लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ, कमर तोड़ रखी है। इसके ऊपर डॉलर ने तो हाहाकार मचा रखी है। पिछले दिनों पाकिस्तान में डॉलर 300 के पार था। पाकिस्तान में आटा, दाल, पेट्रोल नायाब है। पेट्रोल की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से लोग सरकार से काफी खफा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने भी पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। पाकिस्तान अपने देश से करीब 17 लाख शरणार्थियों को जबर निकाल रहा है। इस मुद्दे पर तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान इस भयानक ठंड में अफगान शरणार्थियों को देश से जबरन निकाल रहा है ताकि वह अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव डाल सके। विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान नेतृत्व के आगे कभी नहीं झुकेगा। मुझे बताएं रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84? पूछ रहे, डांट रहे। ये तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 200 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हैं, यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? मेरे ख्याल में स्टेबल रहता है। नहीं, लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसे, 30 पैसे, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो ये होती है स्टेबल, अगर अभी अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85-86 भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसे। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87, इसलिए 89 भी रेट था, 89 भी था, 2 महीने पहले 89 भी था। मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है, लेकिन रहता है, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं होता मार्केट में। जब करेंसी ज्यादा हमारे यहाँ होते, अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भैया, नहीं आप इंडिया के अंदर जो रेट है, आप ये हमारे मेरे पैसे आ रहे हैं, होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्च हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर का रेट आपको बेसिकली बताना था, अब डॉलर का रेट जो है ना वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये, और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो पाकिस्तान में 278 रुपये पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102, 102 रुपये का, 102 रुपये पाकिस्तान में 350 से ऊपर है। तो वीडियो आपने देखा और वीडियो में आपने आई होप एक्सप्रेशंस नोट किए होंगे साफी भाई के, और वो ये थे कि भाई पाकिस्तान में डॉलर जो करंट रेट चल रहा है वो 278 है, और ब्रिटिश पाउंड उन्होंने बता दिया 351-352 चल रहे, और यूरो का भी यही हाल है, और अगर हम दिनार की बात करें तो वो तो 400 से ऊपर चला जाता है। तो लिटरली स्टूडेंट्स हों, एजुकेशन के प्रोफेशनल्स हों, रिसर्चर्स हों, उनकी सीरियसली मत मारी हुई है। आप एक रिसर्च आर्टिकल लिख लेते हो और अब आप ये सोच रहे होते हो यार कौन से जर्नल में भेजूं, क्योंकि आपको पता है जितने भी फ्री जर्नल्स हैं या आप जिनको कह लें कि जिनकी एक्सेस नहीं होती, वो जो रीडर होते हैं वो पे करते हैं, तो उनका आपको पता है जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ठीक ठाक लंबा होता है, और जितने भी ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं उनका जो है प्रोसेसिंग टाइम भी सही होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं करते, लेकिन उनकी फ़ीस माशाल्लाह से इतनी होती है कि पाकिस्तान में 3-4 लाख रुपए बनते हैं
अब बेचारा मेरे जैसा ऑथर वो कहाँ से पे करेगा। तो लिटरली कमर टूटी हुई है भाई, और हर तबका ही परेशान है। आप ये ना समझें कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं उसको यार, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ वो परेशान है, या फिर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सब परेशान है। इलीट क्लास अपने जो उनके आइटम्स हैं लग्जरी आइटम्स उनको लेके परेशान है, मिडिल क्लास वाले अपने जो उनका स्लैब होता है उसको लेके परेशान है, लोअर मिडिल क्लास जो अपनी ख़रीदारी करते हैं उस स्लैब को लेके परेशान है। तो ओवरऑल हम सभी परेशान हैं, और हमारी परेशानियों का एक ही हल है कि हम बंदे के पुत्र बन जाएं, हम दूसरे ममालिक के अंदर टांग अड़ाना बंद कर दें, हम अपना जो पैसा वेस्ट करते हैं मुल्लों के ऊपर या चंदों के ऊपर या जो पॉलिटिकल बारगेनिंग के ऊपर, वो हम अगर अपने ऊपर लगाना शुरू कर दें तो क्या ही बात है। यही बोलूँगा। और जब तक हम फाइनेंसिंग बंद नहीं करेंगे ना, टेरर फाइनेंसिंग किसी भी फॉर्म में, आप जिस मस्जिद को चंदा देते हो कंफर्म करो चंदा जाता कहाँ है, अब जिस मुल्ला को देखते हो कंफर्म करो, मदरसा को देते हो कंफर्म करो, फिर जो शेडो इकोनॉमी हम बताते खुद भी तो, हुकूमत अगर 2 रुपये बढ़ाती है तो हम 4 रुपये खुद भी तो बढ़ाते हैं ना, तो जब तक हम सही नहीं होंगे हम इसी तरह रहेंगे। वेल एज अ नेशन एज अ पॉलिटिकल सिस्टम वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो अगर मुकाबला करना है या फिर बराबरी करनी है तो उसके लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हम एज अ नेशन हर्ड हराम के तौर पर जाने जाते हैं, क्या ही करें। अब तो मिलते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपना ख्याल रखिएगा।